हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हमें लॉजिक गेट बेस्ड प्रॉब्लम की थर्ड कैटेगरी सीखनी है। और यही बच्चों ये आखिरी कैटेगरी होती है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पेपर में नहीं देगा। तो बच्चों बेसिकली ये प्रॉब्लम वेव फॉर्म बेस्ड है। आपको एक डिजिटल सर्किट गिवन होगा और उस डिजिटल सर्किट के लिए आउटपुट के वेव फॉर्म को स्केच करने के लिए बोलेगा आपसे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कि कैसे हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि आपको एक ये डिजिटल सर्किट गिवन है। बोल रहा है कि ड्रॉ द वेव फॉर्म ऑफ वाई वन एंड वाई टू, कंसिडर देयर इज नो डिले इन लॉजिक गेट्स। पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि नो डिले इन लॉजिक गेट। बच्चों आपको मैंने बताया था कि लॉजिक गेट्स का जो रिस्पॉन्स होता है प्रैक्टिकली जीरो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने इनपुट दिया और बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के आपको आउटपुट तुरंत मिलेगा। मीन्स आफ्टर 0 सेकंड बाद आपको आउटपुट मिलेगा। लॉजिक गेट कुछ टाइम लेता है, भले ही माइक्रो सेकंड में, नैनो सेकंड में ले, लेकिन उतने टाइम डिले के बाद ही उसका आउटपुट आता है। तो बच्चों यहाँ प्रॉब्लम में आपसे बोल रहा है कि आपको डिले को कंसीडर नहीं करना, मीन्स लॉजिक गेट को आइडियल लेके चलना है ना। और फिर यहाँ जो वाई वन और वाई टू गिवेन है, इसका वेव फॉर्म स्केच करना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, वाई वन इज द आउटपुट ऑफ नॉट गेट है ना, और इस नॉट गेट का इनपुट क्या है, ए है। तो वाई वन क्या आएगा, ए का जस्ट इन्वर्ट आएगा। और आपको बच्चों प्रॉब्लम में इनपुट्स के वेव फॉर्म गिवेन होंगे। जैसे देखिए इस प्रॉब्लम में ए और बी का वेव फॉर्म गिवेन है। बात समझ में आई? तो कैसे आप करोगे, वाई वन और वाई टू का वेव फॉर्म कैसे स्केच करोगे, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों इनपुट जहां जहां चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं वेव फॉर्म का एज। आप देखिए वेव फॉर्म का एज ये है एज, ये है एज, तो उसकी हमने मार्किंग कर ली। ऐसे ही हम दूसरे वाले इनपुट के लिए मार्किंग कर लेंगे कि जहां जहां इसका एज चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे कर लो या जैसे मर्जी वैसे मार्किंग कर लो। देखो ना, 0 का 1 हुआ है तो मैंने एरो ऊपर बना दिया, 1 से 0 हुआ है तो मैंने एरो नीचे बना दिया। अब बच्चों क्या करना है कि जहां जहां दोनों इनपुट चेंज हो रहा है वहां वहां हमें एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसा करने से क्या होता है वो अभी आगे आप सीख जाओगे। तो आइए चलिए देखिए, पहले मैंने यहाँ पे देखिए ए पे लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर आपको इस बी पे कर लेना है। ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर लो, कलर ले लेते हैं दूसरा। यहाँ पे देखिए मैंने बी पे कर दिया, फिर यहाँ पे देखिए ए पे किया हुआ है। ठीक है, बी पे कर लिया, यहाँ पे कर लिया, यहाँ देखिए बी चेंज हो रहा है तो यहाँ पे कर लो आप बी पे। थोड़ा सा इधर कर लो, ए पे है ही है। ये देखिए, तो पहला काम सबसे पहले आपको ये करना है। ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ करने लेना है जहां जहां इनपुट चेंज होंगे। अब आप देखिए ऐसा करने से बहुत सारा इंटरवल्स आपको मिल गया। ये बच्चों वेव फॉर्म शुरू हुआ है टी इक्वल टू 0 से। अब देखिए इस इंटरवल में ए की वैल्यू क्या है, तो उसको आप यहीं पे लिख लो, 1 है। इस इंटरवल में ए की वैल्यू 1 है, इसमें देखो 0 है, यहाँ पे 1 है। भाई हाई हाई वोल्टेज पे अगर है तो 1, और लो पे है तो 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1, यहाँ 0, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, बी के लिए भी आइए लिखते हैं, ये 1, ये 0, 0, ये 1, ये 0, 1, 1, देन 0। ठीक, इतना करने के बाद अब आप वाई वन और वाई टू का वेव फॉर्म स्केच करोगे। तो बच्चों जो वाई वन आउटपुट है वो है ए का, ये नॉट गेट का है जो कि ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए का जो वेव फॉर्म आया है जस्ट उसका इन्वर्ट आपको करना है। कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ बच्चों देखो 1 है, तो वाई वन का अगर हम वेव फॉर्म स्केच करें तो 1 के लिए क्या होगा, 0।
ठीक है, तो जीरो मीन्स लो लेवल पे होगा। फिर यहाँ भी वन है तो यहाँ भी लो लेवल होगा। यहाँ देखो जीरो हो गया है तो यहाँ पे हाई लेवल पे हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर देखो यहाँ वन हुआ है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फिर इस दोनों इंटरवल में जीरो है तो इन दोनों इंटरवल में वाई वन क्या हो जाएगा बच्चों, वन हो जाएगा। ये देखिए, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, देन जीरो का क्या हो जाएगा, वन। बात समझ में? तो आप देखिए इस वेव फॉर्म का जस्ट अपोजिट बना हुआ है, देख रहे हैं आप, ये जो वेव फॉर्म बना है उसका जस्ट इनवर्ट वाई वन बना है, क्योंकि वाई वन क्या है बच्चों, ए का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, अब यहाँ पे देखो वाई टू क्या आएगा, तो वाई टू पे ए बार अप्लाई है और बी अप्लाई है, जो जो वाई टू जिस गेट का आउटपुट है उसके इनपुट में ए बार और बी अप्लाई है, और ये जो बच्चों गेट है वो एक्सओआर गेट है, ध्यान से देखो। मीन्स वाई टू इज द एक्सओआर ऑपरेशन ऑफ ए बार एंड बी। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, एक्सओआर ऑपरेशन आपको याद होगा, सर्कल के अंदर आपको प्लस बनाना है और बी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा याद होगा, मैं एक बार रिकॉल करवाता हूँ एक्सओआर गेट की। सिमिलर इनपुट्स आउटपुट जीरो, डिफरेंट इनपुट्स आउटपुट वन, तो हमें क्या करना है, बी और ए बार का मीन्स वाई वन का, भाई ए बार क्या है, वाई वन है, तो वाई वन और बी का हमें एक्सओआर ऑपरेशन करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें वेवफॉर्म को स्केच करना है। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं स्केच, इनको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। आइए हम यहाँ पे स्केच करते हैं वाई टू को। तो हमें वाई टू के लिए क्या करना है, इन दोनों का एग्जॉर करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये ऐसे, आप सबसे पहले तो यहाँ वाई वन के लिए लिख लो किस इंटरवल में वाई वन की वैल्यू क्या है, तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ वन, जीरो वन वन जीरो देन वन। अब क्या करोगे, अब आप इन दोनों का एग्जॉर ऑपरेशन करोगे, तो यहाँ पे देखो वन और यहाँ जीरो, तो डिफरेंट इनपुट्स आउटपुट क्या होगा बच्चों, वन। यहाँ हम वाई टू का वेव फॉर्म स्केच करेंगे, तो सबसे पहले वन मीन्स हाई लेवल, यहाँ देखो दोनों सिमिलर है जीरो जीरो, तो यहाँ आउटपुट हो जाएगा वाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। बात समझ में आ रही है, यहाँ देखो इस इंटरवल में दोनों डिफरेंट है तो फिर से यहाँ पे वन पे हो जाएगा। ठीक, अच्छा नो डिले का मतलब जैसे ही इनपुट दिया, मीन्स जहाँ इनपुट चेंज हो रहा है आउटपुट भी उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अगर इसमें कुछ डिले होता तो तुरंत यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करता आउटपुट, लॉजिक गेट तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करा, कुछ देर बाद इसके आउटपुट में जो भी वेरिएशन है वो होता, बट ऐसा हमको नहीं बोल रहा है, हमको तो नो डिले बोल रहा है कंसीडर करने के लिए, तो आपको उसका टेंशन ही नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ वन है, यहाँ जीरो है, डिफरेंट है तो वन होगा, यहाँ भी कर लो वन, यहाँ भी डिफरेंट है तो वन, यहाँ देखो दोनों वन वन है तो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। ठीक है, यहाँ भी डिफरेंट है तो वन हो जाएगा और आगे भी डिफरेंट है तो वन। तो यहाँ देखिए दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ वाई टू, वाई टू का वेव फॉर्म हमने स्केच कर लिया। बात समझ में? तो इसी तरीके से आपको इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रॉब्लम में, एक और कर लेते हैं ताकि और थोड़ा सा अभ्यास हो जाए इस तरह की चीज़ों का। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको फिर से एक लॉजिक सर्किट दिया हुआ है और
Y1, Y2 और F, यहाँ इस बार तीन आउटपुट्स हैं आपको, Y1, Y2 का और F का वेब फॉर्म स्केच करने के लिए बोला, या आपको सीधे सीधे प्रॉब्लम में बोलेगा स्केच द वेब फॉर्म ऑफ आउटपुट F, F का वेब फॉर्म स्केच करने के लिए सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ जो F है वो Y1 और Y2 का क्या है, और ऑपरेशन है। तो जब तक आपके पास Y1 Y2 का वेव फॉर्म नहीं होगा, आप F का वेव फॉर्म स्केच नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो चाहे Y1 Y2 का वेव फॉर्म स्केच करने के लिए कहे या ना कहे, आपको करना पड़ेगा, ठीक है? इनपुट्स इसके दिए हुए हैं, इस पूरे लॉजिक सर्किट के ए बी और सी इनपुट के वेव फॉर्म्स भी गिवन है। यहाँ पे देखिए, ए का दिया है, बी का दिया है और इधर सी का दिया हुआ है ना? तो ऐसे आपको इनपुट का वेव फॉर्म गिवन होगा। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं Y1 को, ठीक? तो ध्यान से देखो, Y1 इज द एंड ऑपरेशन ऑफ ए एंड बी बार, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको बी का कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आप मन में ही कॉम्प्लीमेंट करके ए के साथ एंड ऑपरेशन करना, बार बार आपको स्केच करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आइए करते हैं इसको कंटिन्यू। तो मैंने आपको बताया था कि जहां जहां इनपुट्स चेंज हो रहे हैं, वहां वहां ऐसे आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेने हैं। तो यहां मैंने थोड़ा सा पहले से कर रखा है, कहीं कहीं मिट गया है तो उसको हम बना लेते हैं। ऐसे हमने स्केच कर लिया। अब ए और बी की वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो यहाँ बच्चों है 1, यहाँ 0, पहले के लिए लिखते हैं, यहाँ 0, यहाँ 0, 1 1 0 0, देन 1। यहाँ बी है 0, इधर भी 0, इधर भी 1 1 0 0 1 1, ठीक है? अब हम आते हैं Y1 को स्केच करने में। तो आइए Y1 को स्केच करते हैं। Y1 इज द ए डॉट बी बार। तो ए का बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड ऑपरेशन करना है। तो ये है 1, ये है 0, तो पहले इसका कॉम्प्लीमेंट करो। तो 1, तो 1.1 क्या हो जाएगा बच्चों, 1। तो यहाँ पे Y1 हाई लेवल पे होगा, 1 होगा। यहाँ देखो ए 0 है, तो आपको बी कॉम्प्लीमेंट करने का जरूरत ही नहीं है, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि एंड में आपने पढ़ा है एक 0 होगा तो दूसरा अपने आप 0 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ फिर से ए 0 है बच्चों इस इंटरवल में, तो अभी भी 0 पे ही होगा, ठीक? और यहाँ पे देखो, ये 1 है बट बी का आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बी 1 है तो कॉम्प्लीमेंट 0, तो अभी भी 0। इधर है बच्चों ए 1, यहाँ आप देख रहे हो ए 1 है और बी 0 है, तो बी का जब कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 हो जाएगा। तो 1.1 क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे बच्चों 1 हो जाएगा इस इंटरवल में, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ देखो ए फिर से 0 है, तो आंख मूंद के यहाँ पे 0 कर देना है, आपको सोचना ही नहीं है। ए 0 है फिर से 0, और फिर यहाँ पे 1 है तो दोनों 1 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे 0 और फिर एंड करोगे, तो यहाँ बच्चों 0 ही आएगा। ये देखिए, तो देखा आप लोगों ने Y1 को हमने कैसे स्केच किया, ठीक है? अब बारी है बच्चों Y2 को स्केच करने की। तो Y2 को देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्केच कर रखा है, बट Y2 को जरा देखते हैं है क्या Y2। तो क्या Y2 इज एंड ऑपरेशन ऑफ ए बार एंड सी? बिल्कुल। तो ए बार सी आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए, आप इसी में जब आप करोगे, इसी वेब फॉर्म में करोगे तो हॉच पॉच हो जाएगा। तो इससे अच्छा इस Y2 के लिए अलग से हम वेवफॉर्म को स्केच करेंगे। एक ही में सब करोगे ना तो बिल्कुल खिचड़ी पक जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ए को हमने देखिए यहाँ फिर से स्केच कर लिया है। सी हमें गिवन है, जहाँ जहाँ आउट इनपुट्स चेंज हो रहे हैं वहाँ वहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया है, सबकी वैल्यूज लिख ली है, किस इंटरवल में इनपुट क्या क्या है उसको मैंने लिख लिया है, 1010। अब हम करेंगे ए बार और सी का
एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट करना है और उसी के अकॉर्डिंग आप वाई टू को स्केच करोगे। तो यहाँ देखो बच्चों, ए क्या है, वन, और ये सी है, सी है जीरो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, और ये पहले से ही जीरो है तो जीरो ही आएगा। फिर देखो ये वन है और इसका कॉम्प्लीमेंट किसका, ए का करना है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो जीरो, तो अभी भी जीरो होगा। इधर देखो ए जीरो है, कॉम्प्लीमेंट करोगे वन, और फिर वन का डॉट करोगे तो वन आ जाएगा, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा वन, इस इंटरवल में क्या हो जाएगा वन, ठीक है। अब देखो इस इंटरवल में क्या है, आप देख रहे हो ये जो लाइन मैंने स्केच किया है, इससे कितना बेनिफिट है, इतना कितना फायदा हमें मिल रहा है कि हमें हर इंटरवल में कहाँ पे वन है कहाँ पे जीरो ये पता चल जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे जीरो, इसका कॉम्प्लीमेंट वन, ये पहले से ही जीरो है तो ये हो जाएगा बच्चों जीरो, फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट जीरो और ये जीरो ही है तो अभी भी जीरो। फिर यहाँ देखो सी जीरो है, कुछ सोचना ही नहीं है, सी अगर जीरो है तो आउटपुट जीरो आएगा ही आएगा। ए देखो यहाँ पे जीरो है तो इसका कॉम्प्लीमेंट वन, और फिर ये है सी वन, तो वन डॉट वन वन, तो ये यहाँ पे वन मिलेगा आउटपुट। और यहाँ पे जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फिर से जीरो हो जाएगा। ये देखिए हमने वाई टू को स्केच कर लिया, ठीक है। अब ये जो F आएगा, ये Y1 और Y2 का क्या आएगा, और ऑपरेशन आएगा। तो Y1 और Y2 वे फॉर्म को हमें सेपरेटली बनाना पड़ेगा अलग से। तो यहाँ से मैंने Y1 ले लिया, यहाँ पे देखिए आप, ये Y1 हमने ले लिया है, ठीक है, ये देखिए, और यहाँ से हमने ले लिया Y2। फिर क्या करना है, इन दोनों का और ऑपरेशन करना है, क्योंकि F इज द और ऑफ Y1 एंड Y2। तो फिर से वही प्रोसेस, जहाँ जहाँ चेंज हो रहा है वाई वन वाई टू की वैल्यू, वहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। और हर इंटरवल में वाई वन वाई टू की वैल्यू लिख लो, जीरो वन जीरो वन, और फिर वाई वन वाई टू का और ऑपरेशन कर लो। तो चलो आओ करते हैं। यहाँ देखो वाई वन वन जीरो वन, तो और ऑपरेशन में जानते हो कोई सा भी वन होता है आउटपुट वन आता है, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। यहाँ देखो ये वन है तो ये वन आ जाएगा। यहाँ देखो दोनों जीरो है तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक वन है, वाई वन वन है, तो यहाँ वन, दोनों जीरो, फिर से जीरो, एक वन, फिर से वन, दोनों जीरो, तो जीरो। ये हमारा फाइनल आउटपुट का वेव फॉर्म मिल गया। आए समझ में बच्चों, तो ऐसे आपको करना है। तो अभी प्रॉब्लम में डिले गिवन नहीं था, तो आप बहुत आसानी से कर लिए। अगर डिले गिवन होगा बच्चों तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर लेवल में इतना बहुत है, आप जब हायर सेमेस्टर में जाना तो वहाँ आपको सिखाया जाएगा। तो बेस यही रहेगा, फंडामेंटल यही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो लॉजिक गेट बेस्ड सारे प्रॉब्लम्स हर टाइप के मैंने आपको बता दिए। अब बच्चों इसके बाद हमें पढ़ना है हाउ टू इम्प्लीमेंट एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। तो अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आपका, जय हिंद जय भारत।